वेलकम स्टूडेंट्स, हेयर आई एम अगेन। आई एम राबिया मंसूरी फ्रॉम रोजूर पब्लिक स्कूल जैती। बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का जो लेसन पढ़ा था, हमने कल पोयम पढ़ी थी लिटिल बाय लिटिल, उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो वो हमारे यहाँ तक देखे, हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। ऐसी तीन चीज़ें जो हम लोग जिस वजह से ऐसी तीन चीज़ें लिखनी थी जो हम पेड़ों को जिससे हार्म करते हैं उनके बारे में हमें लिखना था, कैसे करते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए, दिस वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्री, राइट देम इन द गिवन स्पेस। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब पार्ट ऑफ ट्री, ये सब क्या है, एक पेड़ का एक भाग है, एक एक हिस्सा है, आपको इनके बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। तो फर्स्ट है हमारा स्टेम, तो उसको देखते हैं। इसके आगे हमको फिल करना है, इट हेल्प्स द ट्री टू स्टैंड अपराइट। तो वो ऊपर को, जो ऊपर की तरफ सीधा, पेड़ को सीधा खड़े रखने में सहायता करता है। फिर हमारा नंबर सेकंड बार्क, BARK, बार्क बार्क में होता है आउटर कवरिंग, यानी ब्राउन कलर। आपने देखा होगा पेड़ के नीचे जो होता है ब्राउन कलर का एक हिस्सा होता है ऑफ अ ट्री, उसको हम बोलते हैं बार्क। नंबर थर्ड हमारा लीव्स, लीव्स आप जानते हैं, लीव्स मतलब पत्तियां। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द ट्री, ग्रीन लीव्स क्या करती हैं, प्रिपेयर फूड फॉर द ट्री, पेड़ के लिए खाना भोजन तैयार करती हैं। नंबर थर्ड फोर है हमारा ब्रांच, BRANCH, ब्रांच मतलब होता है आर्म, एन आर्म, ये पेड़ की भुजाएं भी कहलाती हैं। एन आर्म लाइक पार्ट ऑफ अ ट्री दैट बेयर लीव्स, यानी जो उसकी भुजाएं होती हैं लाइक पार्ट ऑफ अ ट्री, वो भी पेड़ का एक हिस्सा होती हैं, दैट बेयर लीव्स, यानी वो पत्तियों को बढ़ने में सहायता करती है, उनको सहारा देती हैं। ट्विग्स नंबर सेकंड है। फिर हमारा नेक्स्ट ट्विग्स, इसके आगे हम लिखेंगे स्मॉल शूट्स ग्रोइंग फ्रॉम अ ब्रांच और स्टेम। तो स्मॉल शूट्स ग्रोइंग फ्रॉम अ ब्रांच, यानी एक ब्रांच यानी शाखाओं में बढ़ने की बढ़ने देती हैं ट्विग्स और अ स्टेम। फिर नेक्स्ट हमारा रूट, पार्ट ऑफ अ प्लांट और ट्री, ये क्या होता है, एक पेड़ का या फिर पौधा का एक हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं रूट, मतलब होता है जड़, दैट ग्रोज इन टू द अर्थ। आपको पता है रूट कहाँ होती है, जड़ पेड़ के यानी धरती के नीचे बढ़ती है, तो उसको हम बोलते हैं रूट। फिर हमारा नेक्स्ट सूट, SHOOT, अ यंग ब्रांच और न्यू ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अ यंग ब्रांच, यानी एक जो नई नई यंग ब्रांच होती है, ब्रांच होती है उसकी शाखाएं होती है, या फिर न्यू ग्रोथ, नई जो उसकी प्रगति होती है आगे को, ऑफ अ प्लांट यानी किसकी, एक पौधे की। तो बच्चों फिर हमारा नेक्स्ट, मैच द अपोजिट्स वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर कुछ अपोजिट्स दिए गए, आपको उनको मैच करना है। एक आपको एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि देखा एग्जाम्पल दिया गया माइटी का वीक, यानी विशाल का कमजोर। फिर हमारा नेक्स्ट देखते हैं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का अपवर्ड आएगा हमारा, नीचे का ऊपर, स्लोली का क्या जाएगा, फास्ट, वेरी गुड, लिटिल का बिग, एंड स्लेंडर का, बच्चों स्लेंडर का क्या आएगा हमारा, एनीवन गेस, स्लेंडर का फैट, माइटी का वीक, डे का नाइट, एंड ऑन का ऑफ। तो हमारे यहाँ पर ये वर्ड्स कंप्लीट हुए। तो आज बच्चों हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया, ये पोयम यूनिट थर्ड की लिटिल बाय लिटिल। कल हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, जो है हमारा द एनॉर्मस टर्निप। सो थैंक यू, एंड रीड दिस एंड लर्न दिस।